महाराष्ट्र में सोयाबीन उत्पादक किसानों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। अकोला जिले में कुछ दिन पहले सोयाबीन के दाम 10,000 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास थे, लेकिन अब नई फसल आते ही यह घटकर 5,000 पर आ गए हैं। इसी बीच केंद्र सरकार द्वारा 12 लाख मेट्रिक टन सोया मील इम्पोर्ट की अनुमति देने को भी सोयाबीन के दाम गिरने की वजह बताई जा रही है। इस इम्पोर्ट का महाराष्ट्र सरकार ने लिखित में विरोध दर्ज कराया था। दाम में गिरावट से किसान चिंतित है। उन्हें लग रहा है कि ऐसे ही गिरावट होती रही तो आगे क्या होगा। कुछ किसानों का कहना है कि यही हाल रहा तो इस साल 3,000 रुपए क्विंटल के रेट पर सोयाबीन की बिक्री करनी पड़ेगी। हालांकि कई जिलों में अभी 7,000 रुपए प्रति क्विंटल का रेट मिल रहा है। किसान नेता ने कहा है कि इस समय महाराष्ट्र में सोयाबीन उत्पादक किसान परेशानी में है। सोयाबीन के भाव में गिरावट आई है और ये अब 5 से 7,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिक रहा है। किसान नेता के अनुसार सोया मिल निर्यात के फैसले की वजह से नई फसल का भाव नहीं मिल रहा है। जब अपने देश में पर्याप्त उत्पादन है तो किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए क्यों इसका इंपोर्ट किया गया। अब हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि इस साल सोयाबीन का दाम 3,000 रुपए प्रति क्विंटल तक गिर जाएगा, जबकि MSP 3,950 रुपए क्विंटल है। पहले अत्यधिक बारिश होने से सोयाबीन के उत्पादन में काफी कमी आई थी। इसके साथ ही सोयाबीन की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। पिछले दो मौसम में हुए नुकसान के कारण अनेक किसानों के उत्पादन में काफी गिरावट आई थी, जिसके कारण इस साल बुआई कम की गई। बीजों की कमी को देखते हुए कुछ कंपनियों ने सोयाबीन के बीज अधिक दामों में बेचे थे, लेकिन अब किसानों की फसल मार्केट में आई तो रेट कम हो गया। किसानों ने बताया है कि 2 महीने पहले सोयाबीन का भाव 10,000 रुपए क्विंटल था, अब यह आधा हो चुका है। सरकार और व्यापारियों की मिली भगत की वजह से किसानों को नुकसान हो रहा है। अब सरकार उन व्यापारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जिनके कहने पर सोया मील का इम्पोर्ट किया गया था। सोयाबीन भारत में महत्वपूर्ण तिलहन फसल है, जिसे खरीफ सीजन के दौरान 120 लाख हेक्टेयर में बोया जाता है। देश में 1 करोड़ से ज़्यादा किसान सोयाबीन की खेती करते हैं। सरकार के फैसले से किसानों को नुकसान हो रहा है। सोया मील इम्पोर्ट के फैसले के खिलाफ 26 अगस्त को ही महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दादाजी भुसे ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कहा था कि इम्पोर्ट के फैसले से किसानों में भारी रोष है। इस फैसले के बाद सोयाबीन की कीमतों में 2,000 से 2,500 रुपए प्रति क्विंटल तक की गिरावट आ गई है और इससे किसानों को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा है। सोयाबीन के सबसे बड़े उत्पादक सूबे मध्य प्रदेश में इसकी नई फसल मंडियों में आने लगी है। यहां इसका औसत दाम 8,000 से 10,000 रुपए प्रति क्विंटल है। हालांकि पिछले सप्ताह रतलाम की सैलाना कृषि उपज मंडी में सोयाबीन रिकॉर्ड भाव पर खरीदा गया था। नांदलेटा गाँव के किसान ने 16,151 रुपए क्विंटल के रिकॉर्ड दाम पर 4 क्विंटल सोयाबीन बेची थी, लेकिन यह सौभाग्य सभी किसानों को प्राप्त नहीं हुआ है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।